नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, इन्हें आप देखेंगे इसमें और समझेंगे। इसकी बाकी डिटेल वीडियो के लिए तो आप बहुत सारी वीडियोस और मैंने अपलोड कर रखी, उन्हें देख सकते हैं इसी चैनल पे। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी हेल्पफुल सेंटेंसेस दी गई हैं। बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, लास्ट तक इसे देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो पूरी इंग्लिश में बहुत बार यूज़ होते हैं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूँ। आप भी देखिए, शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि सभी का भला हो सके। तो आइए देखिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, यानी मेरा, आपका, इन सब चीज़ों के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो ये रहे। उसके बाद जो बाकी शब्द हैं ये दिए हुए हैं इंग्लिश के एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं जो गाढ़े अक्षर हैं वो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं। इनका वर्ड ऑर्डर क्या है? ये सिंपल सेंटेंसेस है, तो पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। उसके बाद ये इनकी हिंदी दी हुई है, जगह जगह आप रुक के नहीं देख सकते हैं। लास्ट तक देखिए, अगर इस वीडियो को लास्ट तक आपने देख लिया तो इस सवाल से जुड़ी, इन शब्दों से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी हमेशा के लिए। बाकी बचे वाक्य ये रहे, जो कठिन शब्द हैं वो उसके नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप रोक के देख सकते हैं। उसके बाद कुछ और देखिए आप, इंग्लिश और हिंदी के वाक्य इसमें आप देख सकते हैं किस तरह किया हुआ है, ऐसे आप भी कोशिश करें। इन शब्दों के प्रयोग के लिए काफ़ी सारी वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी हैं, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। उसके बाद आइए देखते हैं फिर अगला हिंदी का ट्रांसलेशन है। ये बहुत छोटे छोटे और सिंपल वाक्य हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। कठिन शब्द आपके नीचे दिए हुए देखिए, और यहाँ पर वीडियो को हर जगह, हर लेसन पर रोक के देखें, एक कॉपी पेन ले कर बैठें और पहले इसे, इसकी हिंदी को और कठिन शब्द को कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद तब करिए। उसके बाद कुछ और इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ और इंग्लिश के वर्ड्स ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है कुछ हिंदी के शब्द वाक्य हैं। ये इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी के साथ यूज हुए हैं, कठिन शब्द नीचे दिए हुए हैं। वीडियो को जहाँ ज़रूरत पड़े आप रोक सकते हैं और इन्हें अपनी कॉपी में लिख के आप कर सकते हैं। ये कुछ नियम हैं और उनके कुछ वाक्य हैं। ये हिंदी दी हुई इसकी, और जो कठिन शब्द हैं वो आपको हमेशा नीचे मिलेंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर इनको कॉपी में उतार कर उसके बाद कर सकते हैं। ये कुछ नए शब्द हैं जिनका वही मतलब होता है जो, लेकिन इनका रूप अलग है, वाक्य के अंत में यूज़ होते हैं, सबसे आखिरी वर्ड वाक्य का यही होता है। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, इसमें तीन तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं।
जैसे कि ये माई और माइन, और एक माई ओन, आवर ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, देयर ओन, ठीक है, इट्स ओन, ये इस तरह से आप ये शब्द हैं आप देख रहे हैं। इनमें सीखने की बात ये, पहले हिंदी इनकी पता होनी चाहिए आपको, दूसरी बात है शब्दों के क्रम में ये वाक्य के बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। जो दूसरी लाइन है ये वाली, जो दूसरी लाइन है ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, और जो आखिरी लाइन है ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, वाक्य के लास्ट में आते हैं। ये देखिए आप इनका एग्जांपल, अर्थ एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। अब आइए कुछ इनके एग्जांपल्स लेते हैं। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक की हेल्प से आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये वो सारे वाक्य हैं हिंदी में जिनमें आपको इंग्लिश में यूज़ करने हैं, ये सभी जो वर्ड्स अभी तक आपने देखे हैं। इन सभी शब्दों को देखिए सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। जगह जगह पर आप वीडियो रोक सकते हैं और उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कॉमा ऊपर लगा हुआ है, बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कॉमा लगा हुआ है। जब ऊपर ऐसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं इसे, इसे जब ऊपर ऐसे लगा देते हैं तो एक का की के लिए यूज़ होता है, जैसे राम ऊपर कॉमा एस, यानी एपोस्ट्रॉफी कहते हैं इसे, तो राम्स बुक मतलब राम की किताब, काउस टेल गाय की पूंछ, फ्रेंड्स नेम दोस्त का नाम, सीताज सिस्टर सीता की बहनें, बहुत ज़रूरी हैं, बच्चे इनमें बहुत गलतियां करते हैं। तो इनके अलग अलग रूप देखते हैं, पहला रूप तो आपने ये देखा, उसका नियम भी ऊपर लिखा हुआ है। पॉजिटिव केस इन्हीं शब्दों को कहते हैं कि मेरा आपका तुम्हारा, उनको पॉजिटिव कहते हैं। उसके नीचे निर्जीव पदार्थों के साथ कैसे लगाते हैं, उसके साथ हम ऑफ़ लगाते हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके साथ ऑफ़ लगाते हैं, जैसे फूलों का रंग तो फ्लावर्स कलर नहीं कहेंगे, द कलर ऑफ द फ्लावर कहेंगे, कुएं का पानी वेल्स वाटर नहीं, द वाटर ऑफ वेल, ये इसमें आप देख रहे हैं। राम की गाय द काउ ऑफ राम या राम्स का, जो प्राणी बोधक संज्ञाओं का यूज़ है पॉजिटिव केस में, इसमें आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर कॉमा भी लगा सकते हैं और द काउ ऑफ राम भी कहते हैं, राम की काउ या द काउ ऑफ राम। तो ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो इंग्लिश में बार बार यूज़ होती हैं और इस किताब में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। ये देखिए बता रखा है, जब नाउन के बाद ऑफ आए तो नाउन से पहले द लगा देते हैं, जैसे द मिल्क ऑफ काउ, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ द बॉयस, द बॉयस ऑफ दिस स्कूल, द फार्मर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद ये देखिए, राम की किताब, उसकी किताब, मेरी किताब, गाय का रंग, आकाश का रंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जिसको आप देख रहे हैं। रोक रोक के देखिए इसे, आराम से समझिए और कॉपी में उतारिए जो बातें अच्छी लग रही हैं और उदाहरण जो अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक बात आपने सीखी, रूल नंबर वन, इसके बाद आपने रूल नंबर टू, इसके बाद रूल नंबर थ्री, रूल नंबर फोर, ये चीज़ें आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे ट्रांसलेशन दे रखे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड नीचे दे रखे हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं एग्जांपल हैं हिंदी में और इंग्लिश में, आप इसे सीख सकते हैं, रोक रोक कर देखिए। इसके बाद आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं इसमें,
ये एग्जांपल्स दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। और ये जो एग्जांपल आपने देखे हैं ये भी दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत लगे आप रोक के देखिए, जिसको समझना हो आप रोक के देखिए वहाँ पे। जो ये हिंदी दी हुई थी उसमें से जो कठिन शब्द हैं उनकी इंग्लिश ये रही। अच्छे अच्छे नियम दे रखे हैं बीच में, बहुत आसानी से उदाहरण के साथ अपन ये देख सकते हैं। वैसे भी इनकी काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, लेकिन इस वीडियो में ये चीज़ें बड़े आराम से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये उदाहरण है, ये नीचे इंटरोगेटिव के हैं। अब इसी के उदाहरण मिलने वाले हैं आपको आगे चल के, ये इंटरोगेटिव का ये एग्जांपल है।